नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। मैंने एक वादा किया था आज से 15-20 दिन पहले कि आप कमेंट करते रहिए, संडे को प्रत्येक मॉर्निंग में आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि मैंने 25-30-35 कमेंट लिए हैं, ये कमेंट लगभग 500 लोगों की रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि सेम कमेंट होते हैं, एक ही कमेंट 50 जगह लिखा होता है, तो सब लोगों का लगभग आपको आंसर मिल जाएगा। ये वीडियो कितना भी बड़ा हो सकता है, सब कंट्री गल्फ से रिलेटेड जितनी भी कंट्री हैं, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, सबसे रिलेटेड आपको जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आंसर मिल जाएगा। शर्त यह रहेगी, वीडियो को पूरा देखिए, आपका आंसर जो आप लेना चाहते हैं वो कहां आ जाए ये मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता होगा, तो पूरा देख लीजिए, ताकि गल्फ कंट्रीज का जितने भी मैटर है, जो भी मामलात हैं पूरे, चाहे आप वीजा से रिलेटेड, विजिट वीजा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, जुर्माना वगैरह, गोल्ड वगैरह, जितनी भी आपकी समस्या, कोई आपका क्वेश्चन है, टोटल के टोटल इसमें आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड वीडियो आपको यहां पर रोज जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। किंग भाई एक बंदा है, बोलते हैं कुवैत से, सर मुझे बताइए कि क्या मैं कुवैत से कोई भी सामान फाइनेंस करके ले जा सकता हूं इंडिया में, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो मैं बता दूं मेरे भाई, ये कुछ आपने सही नहीं लिखा, फाइनेंस शायद ये लिखा है। अगर आप फाइनेंस करके वहां फाइनेंस करवा के अपनी कंट्रीज लेके आ रहे हो और आपके ऊपर फाइनेंस बकाया है, आपका जो अखामा, आपका जो कार्ड के ऊपर आपको लोन मिला है, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाएगा। जब तक वो क्लियर नहीं कर देते आपको आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर आप पैसे कैश पैसा दे के लेके आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 फीस ला सकते हो, ज़्यादा फीस होते हैं तो कस्टम वाले भाई रोक लेते हैं, कस्टम ड्यूटी चुकाने के बाद ही वो निकलने देते हैं। तो आप आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा भाई। देखिए, इंडिया से कुवैत के लिए फ्लाइटें नहीं हैं, सच्चाई की बात यह है कि अभी तक कुवैत ने 31 कंट्री पे बैन लगा रखा है, आपको बताया, उसमें इंडिया का नंबर है, और 31 कंट्रीज में इंडिया का सबसे ज़्यादा कोरोना भी भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। तो अभी कुवैत की तरफ से इंडियन की सरकार की ओर से कोई सिस्टम ऐसा कुछ बना नहीं है कि फ़्लाइटें चालू हो जाएं। उधर से भी बड़ी मुश्किल से फ़्लाइटें स्टार्ट हुई हैं, एक बार तो उधर भी बंद कर दी थी, आपको पता है सबको, फ़्लाइट अभी स्टार्ट हुई नहीं है, और होने की अभी तक कोशिश जारी है, मीटिंगें वगैरह चल रही हैं, प्रेशर पड़ रहा है, तो हो सकता है कि चालू हो जाए, लेकिन अभी तक फ़्लाइटें चालू नहीं है। जैसे चालू होगी मैं अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। अभय सेठी बोलते हैं, सर बहरीन न्यू वीज़ा एंट्री कब तक हो रहा है, प्लीज़ मैसेज दीजिएगा। भाई देखिए, बहरीन ने वीज़ा वैसे चालू कर दिया, आपको पता होगा मैंने आपसे 20 दिन पहले वीडियो डाल दिया था कि बहरीन ने वर्क परमिट वीज़ा चालू कर दिए हैं, बहरीन फ्लाइटें एक्सेप्ट कर रहा है, इंडिया से बहरीन के लिए फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई हैं, वर्क परमिट वाले जो पहले से लगे हुए वो जा रहे हैं, वर्क परमिट भी चालू हो गया, बहरीन सरकार की तरफ से ओके है। अब आपका कौन से वीज़ा में आप जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। रुकिया असलम बोलते हैं, सर एक जानकारी चाहिए, अगर पता करके बता दे तो मेहरबानी होगी। मैंने अपना विजिट वीज़ा 3 मंथ के मार्च में निकाला था। जी हाँ साथियों, इसमें आगे बताया है, वैलिडिटी 5 मई 2020 थी, पर वीज़ा और टिकट दोनों कैंसिल हो गया है। उस टाइम में यूए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि वैलिडिटी दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है, लेकिन स्टेटस अभी भी वीज़ा कैंसिल का दिखा रहा है, तो क्या वीज़ा पर ट्रेवल किया जा सकता है? मेरे भाई आपने समझे नहीं मेरी बात को, वो सरकार ने दिसंबर का टाइम तब दिया था, तब वो लोग जो वहाँ दुबई पहुँच चुके थे 17 मार्च के पहले, उन लोगों का टाइम दिया था, उनको भी सरकार ने घटा के कैंसिल कर दिया, वो भी अब नहीं रहा। तो आप तो इंडिया में वीज़ा लेके बैठे हो, इंडिया में अगर आपने वीज़ा और टिकट लिया है और वीज़ा आपका कैंसिल हो गया, तो वो वीज़ा ख़त्म हो गया, आपके पैसे लग गए, वो सरकार ने कोई रिफंडेबल का ऑप्शन नहीं दिया, अब मिलेगा भी नहीं, अगर मिलना होता तो वो पहले मिल जाता। तो अभी आपका टिकट कैंसिल हुई है, वो रिफंड या दोबारा उसी में आपकी टिकट कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी, वो इंडियन एयरलाइंस की तरफ से, DGCA की तरफ से घोषणा की गई है, टिकट का पैसा आपको टिकट दूसरी बदले में मिल जाएगी, और वीज़ा आपको दूसरा लेना होगा, वो वीज़ा नहीं चलेगा, नहीं आपका पैसा रिफंड होगा अगर आप इंडिया में हैं तो। समझिए अहिर बोलते हैं, सर मैं ओमान में जॉब कर रहा हूँ, मेरी कंपनी बराबर सैलरी नहीं दी है, मेरे को इंडिया आना है, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, 15-8-2020 दिन हो गया, इन लोगों को 2 महीने 15 दिन की सैलरी नहीं दी गई है। तो मैं बता दूं अहिर जी आपको, अगर आपका जितना अग्रीमेंट था वो आपने कंप्लीट कर दिया तो कंपनी पासपोर्ट आपका नहीं रख सकती, अगर कंप्लीट आपका बाकी है,
आपका जैसे वर्क परमिट आपका 2 साल का, अब उसमें वर्क आपका वर्क परमिट हुआ है 2 साल का, 3 साल का जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें टाइम बाकी है तो पासपोर्ट वो रोक सकती है। अगर टाइम पूरा हो गया तो पासपोर्ट उनको देना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम है सैलरी की, 2-3 महीने की सैलरी बाकी है तो भैया इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, COVID-19 चल रही है तो हो सकता है कंपनी बाद लोगों की 6-6 महीने की सैलरी भी बाद में एक साथ आ जाती है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसमें बेस्ट होगा। अगर आपका वर्क परमिट टाइम अग्रीमेंट पूरा हो चुका है फिर कंपनी गुंडागर्दी कर रही है तो इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें, इंडियन एम्बेसी की जिम्मेदारी होगी आपको पासपोर्ट दिलवाने। मोहम्मद माहिद बोलते हैं, प्लीज़ रिप्लाई, मैंने विजिट वीज़ा नया लिया है 10 अगस्त को, तो क्या उसमें मिल सकता है ज़्यादा टाइम, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपने 10 अगस्त को वीज़ा लिया है तो आपके पास दुबई पहुंचने का 2 महीने का टाइम है। जी हाँ, अगस्त से आप देख लीजिए 2 महीने तक का आपके पास टाइम है, 2 महीने में आप कभी भी जा सकते हैं। 2 महीने में अगर नहीं गए 10 अगस्त के बाद में तो आपका वीज़ा वो एक्सपायर हो जाएगा। राजेश जांगीर पूछते हैं, UAE शारजा जाने के लिए क्वारंटाइन रखना है पर सर रखते हैं? भाई देखिए, अगर आप UAE शारजा जा रहे हैं तो क्वारंटाइन तो दुबई में UAE में है ही नहीं, क्वारंटाइन का कोई चक्कर नहीं है, वो पहले था वो हट चुका है। अभी आप बिल्कुल यहां से टिकट लेके जा सकते हैं, अभी तो दुबई ने भी भैया ICA अप्रूवल कैंसिल कर दिया है, वीज़ा टिकट वैलिड है तो आप जा सकते हैं पूरी दुबई में, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अक्षय कौर पूछते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुवैत का नया कानून, जी हां, वर्करों को देश से निकाला जा रहा है, तो इनका पूछा है क्या 40 साल का आदमी वहां पे काम कर रहे हैं तो क्या उनको भी वीजा कैंसिल करेंगे? ऐसा कोई मैटर नहीं है कि 40 साल के लोगों का वीजा कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं है। 60 साल के लोगों को ये हिदायत दी है, 2021 से उनका वीजा बंद कर दिया जाएगा। बाकी अभी तक ऐसा नहीं है कि हम उनको वीजा कैंसिल करके घर भेज देंगे, अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं वो काम वहां पे करते रहेंगे। एक वीडियो मैंने कल डाला था, धोखे से इंडियन एयरपोर्ट पे पकड़े गए जो गोल्ड स्मगलिंग कर रहे थे, आपको आपने देखा। तो ये भाई पूछते हैं, राहुल आर के कुमार, तो सऊदी एयरपोर्ट पे क्यों नहीं पकड़ता? एयरपोर्ट पे चेक तो होता है। देखिए भाई, सऊदीया में ये लीगल है, क्योंकि वहाँ पे आप सऊदी, अगर सरकार टैक्स लेती है तो आप टैक्स दे रहे हो उनको, तो आप पैसा दे रहे हो ना, वहाँ से तो आप खरीद के लेके आ रहे हो। अब आप बोलोगे कि आप इंडिया से अगर आप 5 किलो गोल्ड लेके दुबई जा रहे हो तो इंडियन एयरपोर्ट को आपसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपने टैक्स दिया है, सरकार को टैक्स दे के एक नंबर में आप दुबई लेके आप दूसरी कंट्री लेके जा रहे हो, इंडिया में दिक्कत नहीं होगी, उस कंट्री को दिक्कत होगी अगर आप वहाँ पे टैक्स नहीं चुकाओगे। तो सऊदीया से आप लेके आ रहे हो, सऊदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में आपको प्रॉब्लम। कुछ सामान आपने देखा होगा कि आप इंडिया में जैसे बीड़ी जर्दा पान लेके जाते हो तो यहाँ के एयरपोर्ट से निकल जाते हो, वहाँ पे आपको रोक लिया जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। नदीम मैम के पूछते हैं, इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइट कब चालू होगी? तो भाई देखिए, इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइट का अभी तक कोई अपडेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हालांकि कोशिश जारी है सभी कंट्रीज के साथ में, और मुझे लग रहा है कि अभी कुवैत और सऊदीया ही बचे हैं, बाकी तो सब नॉर्मली फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इनका भी उम्मीद हम जल्दी करते हैं कि अगस्त के दौरान दोनों देशों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बुलबुल के आधार पे जो एरोप्लेन इनका जो सेटिंग होती है उसके आधार पे इनकी फ्लाइटें जल्दी स्टार्ट करने का ऑप्शन बन सकता है अगस्त के अंदर। प्रिंस कुमार बोलते हैं, कुवैत में खुद होटल बुक कर सकते हैं क्या? सर जी प्लीज़ रिप्लाई करना, आपकी वीडियो को हमें ज़रूर फॉलो करते रहेंगे। जी भाई देखिए, अगर आप कुवैत सरकार ये रूल कर देती है कि आप 14 दिन क्वारंटाइन आके कुवैत में रहिए तो आप होटल बुक कर सकते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाहर तो निकलने नहीं देंगे, वहाँ से सीधा आपको जिस होटल में जाना है उसी में आपको छोड़ के आएंगे, और वहाँ तो निकल के भाग नहीं सकते भाई, इंडिया नहीं है कि भाग गए वहाँ तो जो लेकिन ऐसा अभी तक उन्होंने कोई रूल बनाया नहीं है कि आप वहाँ पर आके 14 दिन क्वारंटाइन रह के आप अपना काम कर सकते हो। अगर रूल बनेगा तो वो बनेगा COVID-19 की रिपोर्ट लेके आओ सीधा दुबई में और कुवैत में अपना काम करो, ये ऐसा रूल आएगा। बलजीत कौर पूछते हैं, इंडिया से विजिट वीज़ा दुबई कब जा सकते हैं? इंडिया से दुबई के लिए तो वीज़ा 7 अगस्त से चालू है, आप कभी भी जा सकते हैं, विजिट वीज़ा और वैलिड कोई भी वीज़ा हो, टिकट वीज़ा लो और भी जा सकते हैं आप, दुबई से भी जा सकते हैं, वो भी उनका ICA अप्रूवल हो, आज से बंद कर दिया, जी हाँ 22 अगस्त से। बलवंत सिंह पूछते हैं, बहरीन न्यू वीज़ा कदों ओपन होएगा? भाई मैं बता दूं बलवंत सिंह जी की बहरीन के वीज़ा ओपन हुए 20 दिन हो गए हैं, वर्क परमिट वीज़ा बहरीन के चालू हैं। सादाब नरसिंह पूछते हैं, सर आई विल रिक्वेस्ट इन नाउ दिल्ली एम्बेसी कब ओपन होगी? भाई दिल्ली एम्बेसी जब सिस्टम ही पूरा ओपन है इंडिया में तो दिल्ली एम्बेसी बंद कब से है? दिल्ली एम्बेसी ओपन ही है, किसने बोला दिल्ली एम्बेसी बंद है? जो नॉर्मली तरीके से काम चल रहे हैं सब चल रहे हैं, अगर आपको इंडियन एम्बेसी में कोई काम है तो आप जा सकते हैं दिल्ली में। नथुराम वर्मा बोलते हैं, सर दुबई से जयपुर जाने के लिए कोरोना वायरस का रिपोर्ट चाहिए क्या? रिपोर्ट लेके जाना? भाई ये कंपलसरी नहीं है, ये सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है कि कोई भी देश से अगर आप इंडिया आ रहे हैं COVID-19 की रिपोर्ट, जैसे दुबई मांग रहा है ना आपसे 96 आवर्स पहले की रिपोर्ट मांग रहा है,
तो आप रिपोर्ट दिखा के दुबई एंटर हो जाओ, अपने घर जाओ, अपने जो भी काम करना है। तो इंडिया ने भी ये रूल कर दिया कि कोई भी कंट्री से आप जा रहे हो, कोविड 19 की रिपोर्ट 96 आवर्स पहले की है आपके पास, तो आपको एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन नहीं करेंगे, 7 दिन के लिए सीधा आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, आपको ये लगता है कि नहीं हम तो क्वारंटाइन रहेंगे 7 दिन, सोशल डिस्टेंसिंग वो प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है क्योंकि भीड़ होती है। जासमी अंसारी बोलते हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा सकता हूँ क्या दुबई? भाई बिल्कुल दुबई जाइए ना, कौन मना करता है? न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट वीज़ा पे या फिर विजिट वीज़ा में, दुबई कोई भी वीज़ा में आप जा सकते हैं। सुखविंदर सिंह बोलते हैं, भाई रेजिडेंस वर्क वीज़ा वालों को यूएई के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है, जब अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं। भाई वो अप्रूवल की ज़रूरत है नहीं मिल रहे हैं, ये एक अलग प्रोसेस है, जबकि अप्रूवल की ज़रूरत थी आईसीए की। लेकिन बता दूं, 22 अगस्त शाम को 3:30 बजे का अपडेट है, 22 अगस्त का यानी कल की डेट का, उसमें यूएई दुबई के लिए भी वो आईसीए अप्रूवल हटा दिया गया है, पूरी दुबई के लिए एक बराबर कर दिया है, अभी कोई अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मनप्रीत कौर, सर पंजाब से हूँ, टूरिस्ट वीज़ा का 1,50,000 रुपये मांग रहा है। सेकंड इनका क्वेश्चन है, अब अगस्त में वर्क परमिट वीज़ा कब खुलेगा? तो बता दूं, वर्क विजिट वीज़ा का 2,000 रुपये लगता है, कहीं से भी ले सकते हैं, 1,50,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है आपको। वर्क परमिट आपको वो बोलता है तो नहीं होगा, मैं दिमाग से आप निकाल दीजिए। रही बात वर्क परमिट वीज़ा कब होगा, तो मलेशिया सरकार का कोई भरोसा नहीं है क्या अपडेट दे, और इंडिया के लिए तो मुझे नहीं लगेगा पूरी दिसंबर तक ऐसा कोई रूल आएगा। जी हाँ, तो मलेशिया के भरोसे ना बैठा रहे आप। मोहम्मद अहमद बोलते हैं, मेरा वीज़ा 18 मार्च तक था, लॉकडाउन में नहीं जा सका कंपनी, तो क्या अभी दुबई जाने के लिए दूसरा वीज़ा मिलेगा? जी हाँ, आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो चुका है तो भैया दुबई सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है कि उस वीज़ा में आप जा सकते हैं। वीज़ा रिन्यू करें, वीज़ा दूसरा लें या विजिट वीज़ा में जाएं, ये प्रोसेस है। एक्सपायर वीज़ा वाला नॉट अलाउड इन दुबई यूएई। मोहम्मद रहीम बोलते हैं, इंडिया वाले बोल रहे हैं 90 दिन के वीज़ा टाइम के काम में वीज़ा में आप दुबई नहीं जा सकते, बोल रहे हैं बहुत परेशान हूँ। अशोक जी साहब बताना ज़रूर प्लीज़, 1 महीने का वीज़ा या 2 महीने का टाइम? मेरे भाई किसने बोल दिया कि आप दुबई में 3 महीने के वीज़ा में नहीं जा सकते? यार जब सरकार 3 महीने का वीज़ा दे रही है तो सरकार को तो इनकम ज़्यादा हो रही है ना, 1 महीने वाले में कम मिल रहा है, 3 महीने वाले में 2 गुना ज़्यादा उनको पैसा मिल रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं है सरकार ने बनाया कि 3 महीने वाले में आप नहीं जा सकते। रही बात जॉब की, तो भाई जॉब आप इस वीज़ा में वहाँ जाके नहीं कर सकते, ये वीज़ा वहाँ जाके रहने का है, कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, कंपनी आपका वीज़ा कन्वर्ट कराएगी वर्क परमिट वीज़ा में, तो उस वीज़ा में आप काम कर सकते हैं, इस वीज़ा में काम नहीं कर सकते। 3 महीने वाले में आप जा सकते हैं, 3 महीने वाले में आप 3 महीने तक दुबई में घूमें फिरें रहें, आप मौज मस्ती करें, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, कंपनी में जॉब अप्लाई कर दिया तो कंपनी को वीज़ा प्रोसेस में थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये वीज़ा सही है, बाकी आप जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। रोहित जिंद बोलते हैं, सर गवर्नमेंट मान्यता रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम बता सकते हैं जहां से अप्लाई करें? मैं बता दूं भाई, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त इंडिया में मात्र 3,800 लाइसेंस होल्डर हैं। जी हां, 2019 तक जिनके मैन पावर लाइसेंस हैं वो 3,800 हैं। जिनकी लिस्ट चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी ऐसे एजेंट बहुत हैं जो बिना ऑफिस के बैठे हैं या फिर बिना कुछ के नहीं, वो तो लाखों में है, बाकी पूरी इंडिया में मात्र 3,800 लाइसेंस है। इस कुशवाहा बोलते हैं, सर बहरीन के लिए हवाई जहाज कब से चालू होगी? भाई बहरीन के लिए इंडिया से फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी वीडियो भी मैंने बनाया है लेकिन आप ध्यान नहीं देते, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कुवैत के नए कानून में एक साजिद ट्रेवल्स ने पूछा, अगर अनपढ़ लोगों को निकाल देगी कुवैत सरकार तो मजदूरों का काम क्या पढ़े लिखे लोग करेंगे? जी हाँ, मजदूरों के लोग काम पढ़े लिखे लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही करेंगे। 60 साल के अबाउ जो लोग हैं उनको निकालेगी, अभी तक ये ऑप्शन आया है, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपने पूछा है। प्रदीप सिंह बोलते हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया वो दुबई जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते भाई, वैलिड वीज़ा वाले ही जा सकते हैं। बस साथियों, ये कुछ कमेंट मैंने लिए थे, 15 मिनट की ये डिटेल बन गई, और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। नेक्स्ट संडे को मॉर्निंग में आपको ये जानकारी, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, मैं देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।